गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। ठीक है, देखिए डे नंबर 10 आपका है और इसमें कुछ एब्रीविएशन का क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, फुल फॉर्म जिसे कहते हैं। और आप जरूर जान लीजिए, जो लोग कह रहे थे कि फुल लेंथ टेस्ट ला दीजिए एक यूट्यूब पर भी, तो उसके लिए संडे का प्लान बनाया जा रहा है। अगर संडे का सब कुछ सही रहा तो एक फुल लेंथ टेस्ट में मॉडल 1 का ला दूंगा। ठीक है, बाकी जो लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा PDF हो जा रही है सर, देखिए वीडियो बनाना संभव बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं जहाँ तक कर रहा हूँ PDF आप लोगों को देना शुरू कर दे रहा हूँ पेड ग्रुप में। जितना भी आज देखिए मैं 250 पेज का जो PDF दिया हूँ, सितंबर तक पूरा का पूरा करंट अफेयर प्लस GA पोर्शन कवर है, बस 250 पेज का है, पढ़ ले जाइए आप उसको अच्छे तरीके से। यदि आप लोग पढ़ ले जा रहे हैं तो आप लोगों को समझ लीजिए कल्याण हो जाएगा। उतना में GA पोर्शन का लोग कहते हैं ना, जनरल नॉलेज में ज़्यादा नंबर नहीं गेन हो पाएगा, वहाँ उसको पढ़िए 100% आपका नंबर गेन होगा। बाकी जो है कि आपका GI टैग हो गया, जितने करंट अफेयर के टॉपिक हो गए वो मैं बना रहा हूँ लगातार, इसी पे मैं लगा हूँ। देखिए आप लोगों को करीब करीब 6-7 PDF आज मिला होगा पेड ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना हो जाएगा। इसका भी PDF आप लोगों को मिल जाएगा। PDF इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो देखने में आप बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है वीडियो में, इसलिए आप PDF सब कुछ पढ़ ले जाया करिए। बाकी जो लोग अभी भी जुड़ना चाहते हैं टेक सीरीज से, इस समय जुड़ जाइए, नहीं तो आपका जो वहाँ पे आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आप लोग जुड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आप भी जुड़ना है तो जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए विशेष तौर पे बताया जा रहा है, जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी भी टेक सीरीज से, ठीक है, मिनिमम कास्ट है, आप ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द BIT। BIT का फुल फॉर्म बताया जा रहा है, क्या होगा आपका BIT का फुल फॉर्म, तो हो जाएगा C नंबर रहेगा, बाइनरी डिजिट, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर C। और सेकेंड है क्या फुल फॉर्म है, CDMA का, फुल फॉर्म क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CBSE आप सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है कि CBI का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ए। आपको हो जाएगा कैट का, जो एग्जाम होता है ना कैट का, बी, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और व्हाट इज द फुल फॉर्म CAD का, CAD का क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CID का आप लोग जानते होंगे इसे, D, तो जाएगा आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, और देखिए आगे जैसे हम लोग देखेंगे, एक नंबर है कि आपका CDRW है, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है, आगे CD-ROM जो है आपका, CD-ROM है, इसका फुल फॉर्म क्या, तो 9th का हो जाएगा D, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDR का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर B, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। बाकी है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBSE, CBSE का फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मैं बता चुका हूँ, और क्या होता है इसका, उसी का वही वाला फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, 12th का हो जाएगा A, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 13 नंबर हो जाएगा आपका IUPAC, ये लोग जानते होंगे जो लोग साइंस के होंगे, यहाँ पर जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे जाएगा 14 का, यहाँ पे ये वाला जो था, ये मैं बचपन में जब पढ़ता था तो वहाँ पे एक लोग हमें अंकल थे वो पूछे, तभी से हमको याद है, वही रटा दिए थे हमको पूरे तरीके से। ठीक, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, खूब उसको रटा था, तो आप लोग उसको पढ़ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं तो जनरली लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपका CGI क्या होता है, तो CGI 14 का हो जाएगा A, कॉमन गेटवे इंटरफेस। अगला है कि CA क्या हो गया आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, CA फॉर्म भरा जाता है ना, वही है चार्टर्ड अकाउंटेंट। CV का हो जाएगा आपका A, क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलम विटे। ठीक, नेक्स्ट है कि आपका कॉम्पसाइट, COMSAT, कॉम्पसाइट का हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट। CBR का हो जाएगा 18 का C हो जाएगा, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। आपका हो जाएगा DVD का क्या हो जाएगा आपका, DVD का हो जाएगा
नाइन का हो जाएगा, 19 का पी, डिजिटल वर्सेटाइल भी होता है, वीडियो डिस्क भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा डीवीडी का। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फॉर्म डीवीसी, डीवीसी ध्यान दीजिएगा, इसका होता है आपका डेमोडर, डेमोडर वैली कॉर्पोरेशन। डीटीएच जानते होंगे, इसका डायरेक्ट टू होम होता है। और डीटीपी, डीटीपी ये होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाता है। और हो जाएगा आपका डीसी, क्या होता है, क्या फुल फॉर्म, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। और यूडीपी, यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ए यूजर डाटा, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और 25 लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएमटी, यूएमएल सॉरी यूएमएल, यूएमएल क्या हो जाएगा आपका 25 का डी, आपको हो जाएगा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये रहा आप लोगों का 25 क्वेश्चन, पीडीएफ के तौर पर 75 क्वेश्चन टोटल समग्र दिया जाएगा आप लोगों को। आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिए, अच्छे से बता दीजिएगा हमें जहाँ नहीं समझ में आएगा। बाकी आप लोग जो अभी लेते हैं तो आप लोगों को कुछ छूट भी दी जाएगी टेक्स्ट में, प्लीज़ ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो आएगा एडमिट कार्ड, जानते हैं 2-4 दिन में आ जाएगा एडमिट कार्ड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।